एंटीबायोटिक्स यानी एंटीबायोटिक दवाएं 20th सेंचुरी की बड़ी डिस्कवरीज में से एक है। आपने भी कान या गले के इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जरूर किया होगा। दुनिया भर में लगभग 20 डोजेज प्रतिदिन प्रति 1000 लोगों को प्रेस्क्राइब की जाती हैं। तो एंटीबायोटिक्स होती क्या है? ये दवाओं का एक ग्रुप होता है जिनका इस्तेमाल बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इनका इस्तेमाल किसी दूसरी बीमारी के इलाज के लिए नहीं किया जा सकता, यानी कोल्ड्स और फ्लू जैसे वायरसेस का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से नहीं किया जा सकता। बैक्टीरिया सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म यानी जीव होते हैं। बैक्टीरियाज पैथोजेनिक हो सकते हैं, यानी इनके कारण ह्यूमंस और एनिमल्स में कई बीमारियां हो सकती हैं, जिनके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पहली बार एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। इन्फ्लुएंजा की स्टडी करते हुए एक दिन उन्होंने पाया कि पेट्री डिश के सेट पे मोल्ड एक्सीडेंटली डेवलप हो रहा है। उसकी लगातार ग्रोथ के कारण उसे स्टेफाइलोकोकस कहा गया। उन्होंने देखा कि मोल्ड अपने चारों तरफ से सर्किल को बैक्टीरिया फ्री कर रहा है। मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम में एक फंगस था। फ्लेमिंग ने कंक्लूड किया कि प्लेन के ऊपर के सभी बैक्टीरिया मोल्ड के सब्सटेंस के द्वारा मार दिए गए हैं। फ्लेमिंग ने बैक्टीरिया खत्म करने वाले इस सब्सटेंस को पेनिसिलिन कहा। दूसरे साइंटिस्ट्स ने पेनिसिलिन को ड्रग में बदलने के लिए इस पे आगे काम किया। 1940 तक फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो क्या आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक्स का उत्पादन कैसे किया जाता है? एंटीबायोटिक्स बनाने के तीन मेथड्स हैं, नेचुरली, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल एंटीबायोटिक्स ये दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। बड़ी बड़ी कॉलोनीज में इन्हें ग्रो किया जाता है, जहाँ पे एक्टिव सब्सटेंस का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। यही फ्लेमिंग का मेथड था। सिंथेटिक, कुछ एंटीबायोटिक्स पूरी तरह से लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। सेमी सिंथेटिक, इस मेथड में नेचुरल एंटीबायोटिक्स का प्रभाव बढ़ाने के लिए या नई तरह की एंटीबायोटिक बनाने के लिए लेबोरेटरी में इनमें अमीनो एसिड्स या ग्रुप्स ऐड किए जाते हैं। पेनिसिलिन तो बस एक शुरुआत थी। इस समय में हम अलग अलग तरह के बैक्टीरिया के लिए 100 से ज्यादा अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स काम कैसे करती हैं? एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल सेल्स के खास हिस्सों में अपना असर दिखाती है। ह्यूमन सेल्स को बिना नुकसान पहुंचाए हुए ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकती है। ये दो तरह से किया जाता है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस होने से या तो रोकती है या फिर उसे मार देती है। बैक्टीरिया के अंदर होने वाले सर्टेन मेटाबॉलिक या केमिकल प्रोसेसेस को रोक के एंटीबायोटिक्स ऐसा कर पाती हैं। फॉर एग्जांपल, ये प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन या सेल वॉल्स के ब्रेकडाउन को रोकती हैं। वायरसेस छोटे ऑर्गेनिज्म नहीं होते, इसलिए उनमें मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता। यही कारण है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल वायरसेस के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए किसी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से करने से पहले ये पता करना जरूरी है कि इन्फेक्शन का कारण बैक्टीरिया है या वायरस। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी 20th सेंचुरी के बड़े साइंटिफिक अचीवमेंट्स में से एक थी। लोगों को स्वस्थ रखने में एंटीबायोटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। बैक्टीरियाज के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना लोगों को इन्फेक्शन से बचाने का एक स्मार्ट मेथड है। नेचुरल सिलेक्शन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। जेनेटिक वेरिएशन के कारण कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति नेचुरली रेजिस्टिव होते हैं। ये बैक्टीरिया सर्वाइव करने के साथ साथ खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं और रेजिस्टेंस को एक दूसरे को पास भी करते हैं। इस तरह बैक्टीरिया का पूरा ग्रुप एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है। साइंटिस्ट्स लगातार उन एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस को डोमिनेट कर सके। खैर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कारण जानने के लिए और एंटीबायोटिक्स के इफेक्टिवनेस को प्रिजर्व करने की भूमिका निभाने में ये कैसे मदद कर सकता है, ये जानने के लिए आप एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का हमारा वीडियो देखें। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एंटीबायोटिक्स क्या है और वो काम कैसे करते हैं। तो अब आगे से किसी को एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करने से पहले इन्फेक्शन का कारण चेक कर लीजिएगा।